vectors. So let these two vectors be A is equal to I minus 2j plus 3k, and B is the vector 3i minus 2j plus k. So what will be the angle between these two? कौन बताएगा एंगल कैसे निकालेंगे इनका? आकृति अनुष्का, अच्छा हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे है आज. हर्षा मैम ओके थैंक यू बेटा. हाँ बेटा बोलो. कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी से. हाँ ठीक है वेरी गुड. सो यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू बाय यूजिंग कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ठीक है तो ए डॉट बी आप डायरेक्टली निकाल ही लेंगे इससे. सो 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9 14 है ना, और ये भी आपका 9 + 4 + 1 ये भी रूट 14 ही है. ठीक है सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा. ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई माइनस जे ऑन वेक्टर ए प्लस जे आई प्लस जे. सो यू हैव हियर टू वेक्टर्स एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वन ऑन द अदर. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास में है ए क्या है आपका आई माइनस जे. ठीक है और बी है आपका आई प्लस जे. ओके सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. हार्दिक चौहान क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? नहीं पता कौन बताएगा? दिव्या दिवांशी बताएगी. ए इंटू बी कैप. A into B cap, ठीक है. अगर A on B है तो A into B cap, और B on A है तो उसका उल्टा है ना. उसका मतलब है A dot B upon magnitude of B. Okay? So now you can easily find A dot B upon magnitude of B means A dot B आपका हो गया 1 माइनस वन अपॉन तो मतलब जो भी रहेगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी रूट टू है तो वो जीरो ही आएगा आपका है ना. ओके सो देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सेम क्वेश्चन है ये आप लोग कर ही लेंगे वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. एक को आप वेक्टर ए ले लें एक को आप वेक्टर बी ले लें. ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर. Okay, so you have to show that these three vectors are unit vector and also show that they are mutually perpendicular to each other. So let A is equal to 1 upon 7 2i plus 3j plus 6k and B is equal to कोई दो ही ले लेते हैं उसी से दिखा देंगे 3i माइनस 6j प्लस 2k. ओके सो फर्स्ट थिंग इज शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस ए डॉट बी अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री है ना. तो देखो सो इट विल बी 6 - 18 + 12 is equal to zero. उसका मतलब कि थीटा आपका 90 डिग्री है which shows that A is perpendicular to B. Okay? ठीक है और क्या पूछा है
ईच ऑफ दीज वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए क्या बताना है आपको? यूनिट वेक्टर के लिए क्या निकालना है? कार्तिके कार्तिके वेयर आर यू? गायब है। यस वेरी गुड दिवांशी। केतन मैम अपन को उसका मैग्नीट्यूड 1 दिखाना पड़ेगा। यस तो उनका उसका आपको तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू 1 दिखाना है। दैट विल प्रूव दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर। और ये क्वेश्चन बहुत सेवरल टाइम्स आ चुका है एग्जाम में। ओके सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपके सारे 1 आने चाहिए। देखो आ रहा है क्या? 1, 4, +9, +36, 49 और इधर भी आपका वही आता स्क्वायर तो क्या हो जाता आपका 1 ही आता isn't it? So magnitude is equal to 1. तीनों का magnitude equal to 1 दिखा देंगे and show that mutually perpendicular के लिए आपको तीनों दिखाने A dot B, B dot C और C dot A तीनों दिखाने हैं। ओके क्योंकि ये 4 marks के question में आता है। ओके now come to the next question. Yes, question number 6. So question number 6 is find A and B if find A and B if A plus B dot A minus B is equal to 8. And also it is given that magnitude of A is equal to 8 into magnitude of B. Okay, this also is given to us. ठीक है? तो अब इसका dot product निकाल लेते हैं. So it will be A dot A minus A dot B plus B dot A minus B dot B is equal to 8, है ना? So as you know that dot product is commutative, A dot B is equal to B dot A होता है. It means this both of these will be equal to 0, ठीक है? So now you are left with A square minus B square is equal to 8. Now put the value of any one. So A is equal to 8B है तो यहाँ पे हम 8B का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 8. ओके तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू दिस इज इक्वल टू 8. ठीक है तो B विल बी क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8/7. आंसर चेक कर लेना एक बार कितना आ रहा है ना? ओके इज इट क्लियर? Now see next question. A is equal to 8B था ना तो इधर square भी आएगा इधर. Now see question number 7. है ना? ये square भी आएगा ना इधर. भूल गए इसको. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 8/63 है ना? ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं इसे. क्वेश्चन नंबर 7 इज इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3A माइनस 5B डॉट 2A प्लस 7B. ठीक है निकालो. फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. सो इट विल बी 3 इंटू 2 6. A dot A means magnitude of A ka square. Then plus 21 A dot B minus 10 B dot A minus 35 magnitude of B ka square. ठीक है? अब आपको इसको निकालना है तो आप आई क्या directly? 6
इंटू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 11 इंटू ए डॉट बी माइनस 35 इंटू बी स्क्वायर. चेक द आंसर, आंसर चेक करते रहना. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. सो टू वेक्टर्स का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड. ओके, इट इज गिवन दैट ए इज इक्वल टू बी है एंड ऑल्सो एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ. तो ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास में है. सो दिस ओनली वी आर गोइंग टू यूज. सो यू नो दिस थिंग दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. डायरेक्टली लिख देते वैसे, चलो कोई बात नहीं, इंटू कॉस थीटा. ओके, सो हियर यू हैव ए डॉट बी इज इक्वल टू हाफ एंड बोथ दीज आर इक्वल. ए एंड बी का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है. ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कर लो एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1, तो ए आपका कितना हो जाएगा. चेक द आंसर, इज इट इक्वल टू 1? यस मैम. थैंक यू. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो ये वाले क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए. सो ए इज यूनिट वेक्टर, ये आपको याद रखना है ना. एंड एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12 है. यस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, तो डॉट प्रोडक्ट ही कर लेते हैं. सो इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12. अब ये दोनों आपके कैंसल हो गए. ये आपको यूनिट वेक्टर दिया है तो ये ऑलरेडी आपका 1 है ना. अच्छा, ये माइनस है. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 13. ठीक है, चेक कर लो जल्दी से आंसर. नवनीत, इज इट करेक्ट? गायब है अनुष्का. ओके, करेक्ट, गुड. सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना है. 11 से शायद सर ने करा दिया था. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी. तो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं. सो ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. इसका मतलब है आपका परपेंडिकुलरिटी का मतलब है कि उनका डॉट प्रोडक्ट जो है इट इज इक्वल टू 0 है ना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए प्लस लैम्डा बी का मतलब है ए कितना है हमारा, ए प्लस लैम्डा बी. सो ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू हाउ मच, 2 माइनस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे, ये चेक कर लेना आप लोग, प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू के. इज इट करेक्ट? अब आपको इसका डॉट प्रोडक्ट दिखाना है विथ सी वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है,
तो इसी को यूज करके आप लोग अपनी लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे. ओके, सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस? नो मैम. ओके, शैल वी स्टार्ट 10.4, क्योंकि ये आपकी कॉन्फिडेंस एग्जाम में भी आने वाली है. 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं आज. सो यू ऑल बी प्रिपेयर्ड विद दिस अप टू चैप्टर नंबर 10 फॉर योर कॉन्फिडेंस एग्जाम 1. ओके, एंड प्रिपेयर थॉरली बिकॉज दिस एग्जाम विल बी ऑफलाइन. ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लें. ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.4. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k. ठीक है, अब ए क्रॉस बी आपको निकालना है. सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2. ठीक है, अब बताएंगे क्या आ रहा है ए क्रॉस बी. चिड़ेश जल्दी से निकाल कर बताओ ए क्रॉस बी कितना आ रहा है. 19 जीरो आई कैप. 19 रूट टू. ओके, आई कैप, एम आई राइट? इज इट लाइक दिस? रूट कहां से आ गया बेटा? मैम आई कैप तो जीरो है. आई कैप जीरो आएगा. पूरा फाइनल आंसर बताया मैंने. तू देखो, आई इनटू आपका हो गया माइनस 14 प्लस 14. हाँ सही, माइनस 19. माइनस 19 जी कैप. हाँ, प्लस 19 जी कैप. हाँ, प्लस 19, सॉरी, प्लस 19 जी कैप. अच्छा, प्लस ही है, करेक्ट है. अभी के कैप भी 19 ही है ना. अच्छा, ये भी 19 ही है. के कैप, हाँ. ओके, ठीक है, बस अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अंडर रूट ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, कितना आ रहा है? 19 रूट टू. हाँ, 19 रूट 2 आएगा. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर. क्या लिखा है आगे मेरी बुक में एकदम क्लियर नहीं है. फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस वेक्टर्स. ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. अच्छा, ठीक है. सो यू आर गिवन. अच्छा क्वेश्चन है ये. सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a plus b and a minus b, where you are given a is equal to 3i plus 2j plus 2k and b is equal to i plus 2j minus 2k. ठीक है, so a plus b and a minus b. So what will be the unit vector perpendicular to this two? कौन सा होगा, कैसे निकालोगे? a plus b cross a minus b.
हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। का मतलब मान लो ये हमारा a प्लस बी था और ये हमारा a माइनस बी है, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू विल बी व्हाट, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, है ना, वही है आपका n कैप, n वेक्टर ये जो हम लोग निकालते रहे। ओके तो पहले a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लेते हैं, सो इट विल बी 4i प्लस 4j और k तो है ही नहीं, एंड a माइनस बी विल बी 2i प्लस 4k। ओके सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड आप लोग निकालो जरा इसको कितना आ रहा है, इज a 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, 16i कैप माइनस 16j कैप इज इट, हां यस मैम, और प्लस प्लस क्या है, नहीं मैम माइनस 8k कैप, माइनस 8k कैप है, इज इट करेक्ट, यस मैम सबका आ गया, सो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ठीक है। अब आपको ये बताओ लेकिन ये यूनिट वेक्टर थोड़ी है, आपको तो यूनिट वेक्टर निकालना है, किसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, तो इसको c बोल लेते हैं, कोई भी वेक्टर c, इजंट इट, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, विल बी c cap will be this upon magnitude of this, निकाला है किसी ने, यस मैम मैग्नीट्यूड 24 आ जाएगा, 24 मुझे तो नहीं लग रहा, चलो मैं इसको c वेक्टर मान लेती हूँ, तो c cap कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, यस मैम रूट 576, यस मैम 24 आएगा, रूट 576 आ रहा है, हाँ यस मैम, तो फाइनली 24 है ना, 24 सो दिस विल बी 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन 24 है ना, और भी अभी तो कैंसल आउट हो जाएंगे टर्म्स, है ना, 8 को बाहर ले लेना तभी भी बाहर, तो यू विल गेट 1 अपॉन 3 2i माइनस 2j माइनस 2k है ना, आंसर चेक कर लेना, आंसर चेक कर लो बेटा, मैम 1k मैम माइनस k क्या बोल रहा था, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ओके तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले उनको समझ लेना कि हमें निकालना क्या है ना, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन यू वर आस्क्ड टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए था a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना, सो आपको तो पता ही वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस टू विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ ए यूनिट वेक्टर a मेक्स एंगल पाई बाय 3 विथ i, पाई बाय 4 विथ j एंड एन एक्यूट एंगल k, देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ a, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में, सो नाउ यू हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर a विच मेक्स एंगल्स पाई बाय 3, तो आपको एक बात तो बताए कि यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं, उसके यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, क्या होता है, हाँ वेरी गुड दिवांशी, वही उसके एलिमेंट होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, तो उसका मतलब हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, so vector a can be written as cos, कितना दे रखा है आपको,
पाई बाय थ्री, क्योंकि ये आई के साथ में कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय थ्री, और जे के साथ में क्या बना रहा है, पाई बाय फोर बना रहा है, और के साथ में कुछ एक्यूट एंगल बना रहा है ना, इसको कॉस थीटा ले लेते हैं, है ना, ठीक है, एंड देन फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए. तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 आई प्लस 1 अपॉन रूट 2 जे, है ना, प्लस कॉस थीटा, ठीक है. अभी आपको एक्चुअली में यूनिट वेक्टर दे रखा है, दिस वेक्टर ए इज क्या दे रखा है आपको, इफ ए यूनिट वेक्टर ए, उसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा 1 है. सो नाउ यू कैन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना आ रहा है, स्क्वायर कर लो दोनों साइड्स को, वो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर मींस 1 अपॉन 2 ही आ रहा है, वो जो सेकंड टर्म का स्क्वायर है ना मैम. अच्छा 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 हाँ ठीक है, तो आपका क्या आया आंसर फाइनली, सो 1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है, तो ये आपका 1 माइनस 1 बाय 2 मीन्स 1 बाय 2, 1 बाय 4 ही आ रहा है, इजंट इट, कॉस स्क्वायर थीटा, यस मैम, उसका मतलब कॉस थीटा, इसका आंसर एक बार चेक कर लेना ना, विल बी प्लस माइनस 1 बाय 2, बट हम क्या लेंगे, प्लस वाला ही लेंगे, है ना, क्योंकि ये तो एक्यूट एंगल बता रहा है शुरू से कि बिकॉज इट मेक्स एन एक्यूट एंगल, सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, करेक्ट है क्या आंसर, 1 बाय 2, यस मैम, थीटा थीटा, हाँ थीटा से आपने निकाल लिया, पाई बाय 3 है ना, ठीक है, फिर उसके कंपोनेंट्स आप निकाल ही लोगे, ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, ये तो हमारा नॉर्मल जो आपके डॉट प्रोडक्ट में भी आए हैं बहुत बार, ये वाला क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अटेंडेंस लेनी पड़ेगी पहले, क्योंकि आज आप लोगों का हाफ डे है ना, तो शायद क्लासेस का टाइम थोड़ा शॉर्ट है, फटाफट अटेंडेंस लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन मुझे आपको समझाने हैं इसमें. यस आंचल, आकृति, अमन, प्रेजेंट मैम, अंजलि, अनुष्का, प्रेजेंट मैम, आस्था, प्रेजेंट मैम, जैक, प्रेजेंट मैम, सुरेश, प्रेजेंट मैम, देवाशीष, देवाशीष के बाद दिवांशी, प्रेजेंट मैम, दिव्या, प्रेजेंट मैम, दिव्यांश, प्रेजेंट मैम, एकांश, हार्दिक चौहान, प्रेजेंट मैम, हार्दिक हाड़ा, हर्षा, प्रेजेंट मैम, हितेंद्र, कार्तिके, केतन, खुशी, कोमल, लक्षिता, मनीषा, प्रेजेंट मैम, मोनीश, मोनीश इज प्रेजेंट, नवनीत,
निशा प्रज्ञा प्रणय प्रतिभा प्रेजेंट मैम प्रियांशी मलिका राहुल सालवी प्रेजेंट मैम राहुल सिंह रितु प्रेजेंट मैम शेफाली सोमिल प्रेजेंट मैम सूर्यांश प्रेजेंट मैम उजेश प्रेजेंट मैम उत्कर्ष श्रीवास्तव वर्षा यश उत्कर्ष गोयल प्रेजेंट मैम ओके क्लास सी ग्रेसी हेमा प्रेजेंट मैम मैम ग्रेसी प्रेजेंट ठीक है ग्रेसी हितेश प्रेजेंट मैम राजवी प्रेजेंट मैम इशिता प्रेजेंट मैम ओके ठीक है चलो अब फटाफट थोड़े आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं सो क्वेश्चन नंबर फोर इज शो दैट ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर्थ क्वेश्चन अच्छा ये तो इजी है वैसे a minus b cross a plus b is equal to twice of a cross b ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका a cross a plus a cross b minus b cross a minus B क्रॉस B तो क्रॉस प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर आपको पता ही है इस केस में आपका एंगल क्या रहता है जीरो रहता है इसका मतलब ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे जीरो और ये दोनों A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इसके अंदर तो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है ना याद है सबको तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन का फर्क रहता है ना A क्रॉस B मतलब अगर आपका इस तरह से कोई वेक्टर है ए और बी तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या है आपका यूनिट वेक्टर एक में ऊपर चला जाएगा एक में नीचे चला जाएगा है ना सो क्या फर्क पड़ेगा केवल डायरेक्शन का तो वो आपका डायरेक्टली इन दोनों से इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी है ना क्योंकि ये वापस से आपका ए क्रॉस बी बन जाएगा It is equal to twice of A cross B. Now come to question number 5. Find lambda and mu if the cross product of this is equal to 0. So directly करना है बस इसको I, J, K, 2, 6, 27 and 1 lambda mu is equal to 0. तो डायरेक्टली आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे कितना आ रहा है ठीक है किसी ने निकाला है क्या निकाले सो आई इंटू सिक्स म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे इंटू टू म्यू माइनस 27 प्लस के इंटू टू लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अब ये 0 है इन सबका सम मीन्स ईच ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 तो इस टर्म से आपका क्या आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 27 बाय 2 और इससे क्या आ जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू 3 ठीक है इज इट क्लियर नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट ए डॉट बी Given that A dot B is equal to 0 and A cross B is equal to 0. What can you conclude about the vectors A and B? इनसे आप क्या conclude करोगे? एक तो इन दोनों से angles पता लगता है ना?
तो उसका मतलब कि अगर आपका a डॉट b जीरो है, इसका मतलब या तो a जीरो है और b जीरो है ना. सो इफ आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो, और इसमें भी वही केस रहेगा, आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो है. और सेकेंड आपका क्या रहता है, इससे आपका रहता है कि सॉरी a इज परपेंडिकुलर टू दिस, और या इससे पता लगता है कि एंगल बिटवीन a एंड b इज आइदर जीरो और पाई, है ना, और एंड पाई के फॉर्म में. तो आंसर किस फॉर्म में, शायद जो कॉमन होगा दोनों का वही होगा. व्हाट इज द आंसर, a इज इक्वल टू जीरो. यस मैम, है ना. हाँ, क्योंकि हमारा ये दोनों सेकंड कंडीशन तो दोनों की अलग अलग है, तो हमें तो ये देखना है, वो वाली कंडीशन देखनी है जिसमें क्या था, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी, है ना. तो कॉमन तो यही वाली कंडीशन है कि अगर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज दिस, देन शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी. तो आप निकाल लोगे, है ना, पहले b प्लस सी निकाल लेना और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना विद a, है ना, देन फाइंड a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c. तो डायरेक्टली आपका मैट्रिक्स वाला डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, इफ आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इज इक्वल टू जीरो, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो. यस, ये तो हमें पता ही है. इज द कन्वर्स ट्रू, बताओगे आप लोग मुझे 8th क्वेश्चन से, a इज इक्वल टू जीरो है और b इज इक्वल टू जीरो है, तो डेफिनेटली a क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो होगा. बट अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो है तो क्या ये जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमने अभी तो देखा ही है. उसका मतलब या तो a जीरो है और b जीरो है, या फिर ये क्या है, एंगल इज जीरो और n pi. तो उसका मतलब यस, ओके, गुड, एंगल इज जीरो और एन पाई, है ना. उसका मतलब हम कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स ले लेते हैं जो एक ही लाइन में हो, है ना, तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, है ना. उसका मतलब हम लोग अगर ए को आई प्लस जे प्लस के लेते और बी को भी उसी उसमें ले लेते, थ्री आई प्लस थ्री जे प्लस थ्री के, तो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जीरो ही होगा, क्योंकि दो आपकी रोज सेम हो जाएगी, थ्री को तो आप कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो वन 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 हो जाएगा, तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से आप प्रोपोर्शनल वाले ले लेना कोई भी दो वेक्टर्स, तो आपका फिर भी जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कंक्लूजन वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना. सो प्लीज टेक केयर ऑफ द रीजन. देन क्वेश्चन नंबर 9 इज, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस. एरिया ऑफ ट्रायंगल है आपको निकालना है. देखो नाइन्थ में ए बी और सी, ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो क्या होगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जो को इनिशियल ले लेना, कोई भी बी ए बी सी ले लेना, या फिर ए बी ए सी ले लेना, कोई भी ले लेना, है ना. बी ए बी सी भी ले सकते हो, बी ए क्रॉस बी सी. अपने को एंगल थीटा चाहिए ना, अगर हमने सेम नहीं लिया तो फिर एंगल बाहर की ओर निकल जाएगा, है ना. तो बस इतना सा ध्यान रखना है आपको इसमें. देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है. तो 11th और 12th क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इजी है तो, है ना, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. मिसलेनियस बची है तो आप लोग उसे खुद ट्राई करेंगे, और अगर ब्रेक में अभी हम लोग हो सकता है किस दिन एक क्लास लेके आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दें, है ना. सो वी विल ट्राई टू टेक वन क्लास एंड कंप्लीट.